नबी के अवसर पर शहर की अलग अलग मस्जिदों में प्रोग्राम होते हैं और कई जुलूस भी निकाले जाते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले साल भी न तो मस्जिदों में प्रोग्राम हो पाए थे और न ही जुलूसों को निकाला जा सका था। इस बार भी पब्लिक गैदरिंग और जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने ही घरों में इस त्योहार को मनाने की तैयारी कर ली है। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल का चांद दिख चुका है, यानी यह महीना शुरू हो चुका है। इस महीने की 12 तारीख को आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पूरी दुनिया में, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में, यह दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसे ईद मिलाद उन नबी या 12 वफात भी कहते हैं। इस बार ईद मिलाद उन नबी शहर में 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस मौके पर शहर की अलग अलग मस्जिदों में प्रोग्राम होते हैं और कई जुलूस भी निकाले जाते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले साल भी न तो मस्जिदों में प्रोग्राम हो पाए थे और न ही जुलूसों को निकाला जा सका था। इस बार भी पब्लिक गैदरिंग और जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने घरों में इस त्योहार को मनाने की तैयारी कर ली है। कुछ मस्जिदों में भी प्रोग्राम होंगे, लेकिन लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं होगी। इसी के चलते मरकज सुरनाउद्दीन के अध्यक्ष सैयद परवेज रिजवी ने ईद के दिन किसी भी तरह की जुलूस निकालने पर इनकार किया है। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। शासन ने जो दो दिन पहले एक परिपत्र निकाला है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर किसी को भी ईद की मिरौनक निकालनी है तो वो पैदल चल के नहीं निकाल सकते, ट्रक या छोटी गाड़ी में निकाल सकते हैं। ऐसे एक रैली में 5 ट्रक या छोटी गाड़ी चलाई जा सकती हैं, जिसमें हर गाड़ी में 5 लोग हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ पंडाल अगर वो लगाना चाहें, कुछ डेकोरेशन करना चाहे, कुछ झांकी लगाना चाहे, तो उसकी शासन ने परवानगी दी है। अभी इससे रिलेटेड हम लोगों ने आज मीटिंग भी ली सभी लोगों की। इससे पहले भी मीटिंग ली थी, लेकिन तब ये परिपत्रक नहीं आया था। तो मीटिंग में जो मेन रैली निकाली जाती है सेवा सदन चौक से लेते हुए जो शतरंजीपुरा में जाती है और फिर वापस सेवा सदन चौक पर आती है, और जिसमें शहर के सभी रैलियाँ आके मिलती थी 2019 तक, और पिछले साल ये रैली नहीं निकाली गई थी। तो अभी उनके लीडर्स ने कहा है कि हम लोग वो रैली नहीं निकालेंगे, क्योंकि शासन की जो गाइडलाइंस है उसमें पैदल रैली नहीं निकाल सकते, उसमें आप गाड़ी में, वो भी 5 ही गाड़ी के साथ रैली निकाल सकते हैं, जो उनके कंडीशन में बैठ नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो रैली जो मेन रैली वो नहीं निकाली जाएगी। और क्योंकि मेन रैली निकाली नहीं जाएगी, इसलिए जो बाकी जो छोटी छोटी रैली जो मेन रैली में आके मिलती थी, उन्होंने भी रैली निकालने के लिए मना किया है। वही ईद के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। वे शहर के चप्पे चप्पे पर निगाहें रखेंगे। लोगों को अभी से स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने कोरोना की गाइडलाइन का प्रयोग करने के सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए, जो मेन जो एरिया है जहाँ पर बंदोबस्त लगाया जाएगा, वो मोमिनपुरा, सेवा सदन चौक, शतरंजीपुरा, टेका नई बस्ती, शांति नगर, इन जगहों पर लगाया जाएगा। कुल मिला के अराउंड 300 पुलिस कर्मचारी लगाए जाएंगे, और उसके साथ साथ RCP और SRP के प्लेटून भी लगाए जाएंगे। इसमें जो बंदोबस्त है ये इस प्रकार से लगाया जाएगा कि जहाँ पर झांकियाँ हैं, जहाँ पर लोग एकत्रित होंगे या फिर जो इनके मस्जिद में कार्यक्रम होंगे, उनको नियंत्रण में रखने के लिए ये बंदोबस्त लगाया जाएगा। बता दें कि ईद मिलाद उन नबी या 12 वफात को लेकर बाजार पूरी तरह तैयार है, लेकिन कोरोना का डर अभी भी बना हुआ है, इसलिए कम ही लोग खरीदारी करने के लिए बाजार में आ रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सबसे ज्यादा ग्राहकी रविवार के बाद सोमवार को ही देखने को मिल सकती है। पूर्व में ईद से करीब एक सप्ताह पहले बाजार गुलजार हो जाते थे, लेकिन इस बार पहले जैसी रौनक नहीं है। खरीदारी के लिए लोग कम आ रहे हैं, साथ ही सामान भी सीमित ही खरीद रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।